वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक वैकेंसी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए यूपीपीसीएल की तरफ से। मेरी पिछली वीडियो में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने जो एआरओ की वैकेंसी आउट हुई थी तो एक पोस्ट थी अकाउंट असिस्टेंट की, उस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने बताया था, पूछा था, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि बहुत जल्दी उसकी वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि यूपीपीसीएल में वैकेंसियां लगातार आ रही हैं पिछले एक महीने में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही अपडेट की वीडियोज़ मैं लाता ही रहता हूँ। दोस्तों यूपीसीएल के रिगार्डिंग जो एजे की वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा और इस पोस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों आप मैं हूँ यूपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंटेंट की आ चुकी है। क्या इस नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड करके, यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ से डाउनलोड करके इसके बारे में विस्तार से बात कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और ये वैकेंसी दोस्तों है असिस्टेंट अकाउंटेंट की और यहाँ पे दोस्तों 21 वैकेंसियाँ हैं जनरल वालों के लिए और 11 वैकेंसियाँ हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक वैकेंसी। मतलब टोटल दोस्तों 33 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ओबीसी की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे जनरल में फाइट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए योग्यताएँ अर्हताएँ दी हुई हैं, क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। और अगर हम बात करें दोस्तों तो जो यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं हैं या योग्यताएं हैं दोस्तों वो ये है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ऑब्लिक डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक डिग्री और यहाँ पे न्यूनतम एज दोस्तों 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। और अगर दोस्तों आपको किसी भी आरक्षण का लाभ लेना है तो आप उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक लिखित परीक्षा होगी, आपकी लिखित परीक्षा होगी और जिसमें यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्या 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 चीज़ें पूछी जाएंगी, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए ओ लेवल का और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं पूरा सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं इस नोटिफिकेशन को दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर हम दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आवेदन शुल्क तो यहाँ पे 700 रुपये दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए है और जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 1000 रुपये हैं और विकलांगों के लिए दोस्तों सिर्फ 10 रुपये हैं। और अगर हम दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन आवेदन आपका 9 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा और 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पे पेमेंट डेट हुई है, डेट दी हुई है और यहाँ पे संभावित तिथि जो अक्टूबर चतुर्थ माह चौथे सप्ताह अक्टूबर में आपको एग्जाम की संभावित तिथि दी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन मैं अपने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, विस्तार से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ और वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एजेई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर जो जुड़े हुए हैं मुझसे वो एजेई रिक्रूटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एजेई रिक्रूटमेंट के लिए फाइल बनना स्टार्ट हो गई है। अब फाइल बनने का क्या मतलब है दोस्तों, जो भी पोस्ट वैकेंट है दोस्तों उसके लिए फाइल बन रही है और ये फाइल अब गवर्नमेंट के पास जाएगी जहाँ से गवर्नमेंट में भर्तियाँ पास होंगी और इसके बाद वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। हालांकि वैकेंसी आपको दोस्तों बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है, मे बी सितंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये दोस्तों गवर्नमेंट काम है, इसमें 15-20 दिन या एक महीने डेढ़ महीने का डिले होता ही रहता है, ये किसी के हाथ में नहीं है। जो मुझे अपडेट मिली है या फिर जो मुझे जानकारी मिली है दोस्तों वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वैकेंसी आपको निश्चित तौर पे देखने को मिल सकती है। इससे पहले भी दोस्तों जब एआरओ के लिए वैकेंसी आई थी तब भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि ये सहायक लेखाकार के अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी कब तक आएगी, तो भी मैंने आपको बताया था कि जल्द ही इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पर दोस्तों अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो दोस्तों जो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर लो यार, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और एजेई की रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बहुत सारे दोस्त नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो जेई की रिक्रूटमेंट मैंने दोस्तों पहले ही जो एक्सपेक्टर बताई है वो आपको 300 आपको वैकेंसियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों ए की अगर बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 100 से 150 के बीच में देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेड डेट दोस्तों मैं आपको बता दूँ नोटिफिकेशन की, अगर आपको एक्सपेक्टेड डेट जानी तो सितंबर अक्टूबर में आपको एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, इसमें कुछ ही परिवर्तन संभव है लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों वो सितंबर अक्टूबर में आपको ये वैकेंसियाँ निश्चित तौर पर देखने को मिल सकती है। यूपीसीएल से दोस्तों जितनी भी अपडेट निकल के सामने आएंगी उन सभी अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम को भी
जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्त, का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखा है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्तों कि जैसे ही मैं छोटी मोटी न्यूज आती है इससे जुड़ी, इससे रिलेटेड, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।